अब दूसरे शहरों की तरह, मेट्रो सिटीज की तरह जम्मू में भी जो नशा नहीं मिलता था वो नशा यहाँ पर मिलने लगा है, वो ड्रग्स यहाँ पर मिलने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पिछले सप्ताह हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अब दूसरे शहरों की तरह, मेट्रो सिटीज की तरह जम्मू में भी जो नशा नहीं मिलता था वो नशा यहाँ पर मिलने लगा है, वो ड्रग्स यहाँ पर मिलने लगे हैं। तब हमने आपको बताया था कि मीरासा पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनसे 700 ग्राम मेथाक्लोन ड्रग मिला था। लेकिन अब इसके आगे और जानकारियां जो हैं और खुलासे उन लोगों ने किए हैं, और बड़ी बात यह है कि पुलिस इस मैटर को सीरियसली कंसीडर कर रही है, और वो भी ये चाहती है कि इनके बारे में पता लगाया जाए, ये कौन लोग हैं, कहां से ये ड्रग आया, क्या इसके तार बाहर के मेट्रो सिटी से जुड़े हुए हैं या फिर सीमा पार से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्या ये वहां से आ रहा है यहां पर ड्रग्स। तो इस खबर को अब हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। मीरासा पुलिस ने मेथाकोलोन ड्रग्स के साथ जिन 3 तस्करों को पकड़ा हुआ था उनकी पूछताछ के दौरान कई बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस को पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने मेथाकोलोन ड्रग्स की सप्लाई की थी। इस खेप को कश्मीर के सपोर में रहने वाले एक तस्कर ने सप्लाई किया था। उसके साथ लाखों रुपए की डील हुई थी लेकिन अभी पैसे नहीं दिए गए थे, माल को बेचने के बाद पैसे दिए जाने थे। हालांकि ये बात भी बाहर आ रही है कि कुछ पैसे दिए गए हैं, बाकी पैसे देने के बाद माल को उठाया जाना था। पूछताछ के दौरान पता चला कि फारूक परवान निवासी यूपी, जो कि मौजूदा समय में बड़ी ब्राह्मणा में रहता है, और मोहम्मद सलीम निवासी बड़ी ब्राह्मणा का लिंक उस सपोर के तस्कर के साथ था। तीनों पहले नरवाल सब्जी मंडी में एक साथ काम करते थे। उनमें मोहम्मद सलीम ऑटो भी चलाता था। नरवाल मंडी में तीनों का लिंक बना और उसके बाद सपोर का तस्कर वापस कश्मीर चला गया। उसके बाद भी दोनों उसके संपर्क में रहे, जिसके बाद नशे की खेप के बारे में भी बात होती रहती थी। बाद में ऑटो चालक के संपर्क में परमजीत सिंह उर्फ सन्नी निवासी सिंबल कैंप आया। उसके बाद सपोर के तस्कर से बात करने के बाद नशे को मंगवाया गया। पकड़े गए तीनों आरोपियों को माल की सप्लाई जम्मू में मिली थी। माल मिलने के बाद वो उसे बेचने के लिए ले गए, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने तीनों को माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब सपोर निवासी की तलाश शुरू करने लगी तो उसे भनक लग गई। उसके बाद से उसने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया और वो गायब हो गया। मीरासा पुलिस सपोर पुलिस के साथ मिलकर लगातार उसकी तलाश करने में लगी हुई है, लेकिन कई दिनों से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस माल की सप्लाई सीमा पार से भी आई हो सकती है, लेकिन उसके लिए सपोर निवासी को पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। बता दें कि पिछले सप्ताह मीरासा पुलिस ने करीब 700 ग्राम मेथाकोलोन ड्रग्स बरामद की थी, जिसमें तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये ड्रग्स पहली बार पकड़ी गई है जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। इस प्रकार का नशा पहली बार बरामद होने के बाद पुलिस मामले को पूरी तरह से बाहर निकालने में लगी हुई है। नरवाल मंडी से तार जुड़े, बातचीत हुई, और फिर किस तरह से ये लोग खेल की रचना करते हैं। और बड़ी बात यह है कि सुपौर का रहने वाला एक तस्कर जो है, जिससे तार जुड़ रहे हैं, वो अभी फरार है। उसका नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन ये शख्स फरार है। और जानकारी जैसे हमने आपको दी कि सीमा पार से भी इसके तार जुड़ सकते हैं, और ये जो तस्कर हैं ज़्यादातर, क्योंकि ऐसी भी कोई बड़ी खेप होती नहीं है, इनकी जानकारियां एकत्रित करना कि ये लोग इस समय इस गाड़ी में नशा लेकर जा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल लगता है। और इसके लिए हमें लगता है कि
थोड़ा हमारी इंटेलिजेंसी जो है वो थोड़ा और सक्रिय हो, ताकि इनकी जानकारी हो ये कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो गाड़ियों में लेकर जाते होंगे, किसी को क्या मालूम है कि कौन कहाँ क्या लेकर जा रहा है। लेकिन इस खबर के ऊपर आप अपनी राय ज़रूर रखें। और ये जो नए नए नशे अब जम्मू शहर में आ रहा है, क्या ये जम्मू शहर जो है वो उड़ता हुआ जम्मू शहर तो नहीं बन रहा है? इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।